सो गाइस, यहाँ पर शाओमी की तरफ से शाओमी मी 10T प्रो ये स्पॉट हो चुका है। इसकी पूरी हैंड्स ऑन पिक्चर निकल के आ चुका है, A to Z इसके डिज़ाइन के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन निकल के आ चुका है, आप स्क्रीन में देख सकते हो। साथ में इसकी की स्पेसिफिकेशन निकल के आ चुकी है, ये बहुत धमाकेदार स्मार्टफोन होने वाला है। पहले बात करते हैं इसके डिज़ाइन के बारे में। यहाँ पर फ्रंट डिज़ाइन की बात करो तो फ्रंट डिज़ाइन आप यहाँ पर देख सकते हो इसके हैंड्स ऑन पिक्चर के अंदर। यहाँ पर आपको फ्रंट साइड में आपको सिंगल कटआउट पंच होल वाला डिज़ाइन मिलता है, दोनों साइड से आपको कर्व डिस्प्ले मिलता है, तो डिस्प्ले अच्छा ही यहाँ पर डिज़ाइन दिया गया है। बैक साइड में यहाँ पर आप डिज़ाइन देख सकते हो, बड़ा सा आपको कैमरा मिलता है, जो 2020 का डिज़ाइन फैक्टर है शाओमी का, वैसा ही आपको कैमरा का डिज़ाइन यहाँ पर आपको मिल जाता है बैक साइड में। ये तो थी इसकी कुछ डिज़ाइन, ठीक ठाक सी डिज़ाइन है। ग्लास बॉडी में स्मार्टफोन आने वाला है, तो पकड़ोगे तो आपको ऑलराउंड स्मार्टफोन प्रीमियम होने वाला है। और अब बात करते हैं इसके स्पेसिफिकेशन की, जो दमदार है यार। स्टार्ट करते हैं इसके प्रोसेसर से। यहाँ पर प्रोसेसर दिया गया है स्नैपड्रैगन 865 प्लस दिया गया है। साथ में यहाँ पर जो डिस्प्ले दिया गया है, डिस्प्ले की जो रिफ्रेश रेट है 144 हर्ट्ज़ की यहाँ पर रिफ्रेश रेट टेक्नोलॉजी मिलती है, बटर स्मूथ आपको डिस्प्ले मिलने वाला है। लेकिन यार डिस्प्ले में ना एक जगह कंजूसी की है शाओमी ने, कि यहाँ पर आपको LCD पैनल ही दिया है। अगर शाओमी यहाँ पर एमोलॉइड पैनल देती 120 हर्ट्ज़ के साथ तो एक स्मार्टफोन बहुत कमाल होता, लेकिन डिस्प्ले में थोड़ा सा कंजूसरी कर दी शाओमी ने एमोलॉइड के बदले यहाँ पर LCD पैनल देके। अब ये बात करें आगे, इसकी बैटरी होने वाली है 5000 mAh बैटरी होने वाली है, 8GB रैम होने वाली है, 256GB इंटरनल स्टोरेज होने वाली है, साथ में लेटेस्ट एंड्रॉयड 10 होने वाला है। ये तो थी इसके कुछ की स्पेसिफिकेशन जो निकल के आ चुकी है। बात करें ये स्मार्टफोन क्या सिर्फ चाइना में ही आने वाला है, जी नहीं, ये स्मार्टफोन ग्लोबली लॉन्च होने वाला है। साथ में स्मार्टफोन इंडिया में भी आने वाला है, तो ये बहुत बड़ी खुशखबरी की बात है। ये स्मार्टफोन पक्का इंडिया में लॉन्च होने वाला है, और स्मार्टफोन लॉन्च होने की अगर एक्सपेक्टेड बताओ सेप्टेम्बर के एंड में स्मार्टफोन आएगा इंडिया में, नहीं तो अक्टूबर के फर्स्ट वीक में स्मार्टफोन इंडिया में आपको लॉन्च होते हो पक्का दिखने वाला है। कुछ टाइम और वेट कर लीजिए स्मार्टफोन के लिए। बात करें इसकी प्राइसिंग कितनी होने वाली है, जितने मुझे लीक्स मिले या रूमर्स के हिसाब से मैं सुन रहा हूँ, इसकी प्राइस जो इंडिया में हो सकती है 40,000 rupees के करीब इसकी प्राइस इंडिया में हो सकती है। इफ अगर शाओमी ने इसे 40,000 rupees में ला रही है यार, मज़ा आ जाएगा, स्मार्टफोन धमाका हो जाएगा, सारे कंपनीज के बजा देगा। तो फिलहाल वेट करते, थोड़ा जल्दबाजी होगा इसके प्राइस के बारे में बात करना, तो फिलहाल वेट कर लेते। इसकी जितनी भी इन्फॉर्मेशन आएगी मैं आपको ऑनेस्टली प्रोवाइड करता रहूँगा, और आपके मन में जो भी डाउट है, जो भी आपके मन में चल रहा है लिख दो, या जो भी थॉट्स है आपके लिख दो कमेंट में, रिप्लाई में आपको पक्का दूंगा, 100% सबको रिप्लाई देते, तो कमेंट करो। साथ में इस वीडियो को लाइक कर दो। इफ अगर आप चैनल में नए हैं तो क्या करना है आपको, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बाजू में बेल आइकन दबाना है, वीडियो से नोटिफिकेशन आपको मिलने चाहिए यार। मेरा नाम है इमरान, आप देख रहे हैं टेक इमरान, तो इस तरह से साथ में फिर से हाजिर होगा, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।